की तैयारी चल रही है जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। रूस किसी भी समय यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने तो वो तारीख भी बता दी है जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इस बड़ी जंग की संभावना को देखते हुए पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 30 देशों ने रूस को घेरना शुरू कर दिया है। ये 30 देश नाटो के सदस्य हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर इतने सेंटिमेंटल क्यों हैं। आपको ये भी बताएंगे कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो किसके जीतने की संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन दोनों देशों में युद्ध होता है तो भारत किसका साथ देगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने यह दावा किया है कि 20 फरवरी से रूस यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर सकता है, लेकिन यूक्रेन रूसी सेना से कभी भी भिड़ने के लिए तैयार है। यहाँ आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि यूक्रेन को लेकर अचानक रूस इतना आक्रामक कैसे हो गया। दरअसल दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और नाटो चीफ जेंस स्टोलेनबर्ग के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन ने वादा किया कि वो रूस के विरोध के बावजूद नाटो ज्वाइन करेगा। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका यूक्रेन में एयरबेस बनवाएगा और अपने सैनिकों को भी यूक्रेन भेजेगा, तो जाहिर है कि इससे रूस की टेंशन बढ़ गई है। रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश में किसी भी तरह अमेरिका की एंट्री हो। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने सेंटिमेंटल क्यों हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के सदियों पुराने संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों में मां कहा जाता है। यूक्रेन में 8 लाख से ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं और रूस इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। यहां आपको बता दें कि रूस ने करीब 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती यूक्रेन की सीमा पर कर दी है, जिनके पास कई खतरनाक मिसाइलें और हथियार मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि रूस ने S-400 की भी तैनाती कर दी है। रूस और यूक्रेन के मामले को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश तैयार बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की मदद के लिए चीन उसके साथ खड़ा है। यहां आप जान लीजिए कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला लिया तो ये संघर्ष पूरे यूरोप में फैल जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। आपको बता दें कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत ने अगर रूस या अमेरिका में से किसी एक का साथ दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में भारत सभी हालातों पर नजर रखेगा, जैसा कि उसने साल 2014 में किया था, जब रूस ने यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। उस समय भारत चुप रहा था और रूस ने इसे अपने समर्थन की तरह पेश किया था। इस बार भी रूस भारत के न्यूट्रल स्टैंड को अपने समर्थन की तरह पेश कर सकता है। यहाँ आपको बता दें कि रूस अगर हमला कर देता है तो चीन उसे समर्थन देकर उसके करीब आ जाएगा। ऐसे में चीन रूस के सामने भारत को डिफेंस सप्लाई रोकने की शर्त रख सकता है।